नमस्कार, नेशन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। बिहार की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की तरफ से भी इस सीट को लेकर कवायद जारी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी श्याम रजक को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामने वाले श्याम रजक को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया एक तरीके से विधायक का टिकट न मिलने की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि आरजेडी नेता के मैदान में उतरने से सुशील कुमार मोदी को चुनौती मिलना तय है। वैसे इससे पहले महागठबंधन बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर एनडीए की परेशानी को बढ़ा चुका है। हालांकि जीत एनडीए को मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था और इसके बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया था। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल सका था। वैसे बिहार की राजनीति में श्याम रजक पिछले 3 दशक से एक चर्चित नाम है, बात चाहे लालू के दरबार की हो या फिर नीतीश कुमार के कैबिनेट की। श्याम रजक हर जगह चर्चित रहे, जबकि श्याम रजक इससे पहले आरजेडी में ही थे। यही नहीं, श्याम रजक बिहार में जेडीयू के लिए दुरूप का इक्का भी साबित हुए थे। यही कारण है कि वोटों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको नीतीश कुमार की सरकार में 2-2 बार मंत्री का पद मिला। इसके अलावा लालू दरबार में भी श्याम की कुर्सी कभी खाली नहीं रही। श्याम की खासी पूछ थी और राबड़ी देवी की सरकार में भी पावरफुल मंत्री थे। बहरहाल राज्यसभा की इस सीट पर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि रामविलास पासवान भाजपा और जेडीयू के सहयोग से 2019 में निर्विरोध चुने गए थे और इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य पासवान का इसी 8 अक्टूबर को निधन हो गया था। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।